नमस्कार। आज अपन बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद की काशी उसके बारे में। अभी दो दिन पहले हाल ही में कोर्ट के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ और ये दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर वजू खाने में शिवलिंग दिखाई दिया। बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुए, हालांकि उनकी सत्यता की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। पूरे मस्जिद की वीडियोग्राफी हुई है और कोर्ट में प्रस्तुत की गई है। अब कोर्ट निर्णय करेगा कि वाकई में वहां पर कोई शिवलिंग है या फिर क्या है। सबसे पहले अपन जानेंगे कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, और अगर मान लो वहां पर शिवलिंग निकल भी जाए तो क्या मस्जिद तोड़कर वापस मंदिर बनाया जाएगा? क्या उस जगह को हिंदुओं को दे दी जाएगी या फिर वहां पर नमाज पढ़नी बंद कर दी जाएगी? आखिर उस जगह का होगा क्या अगर शिवलिंग निकल गया तो? और 1991 में पूजा स्थल एक कानून बनाया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो कानून इसके बीच में क्यों आ रहा है, उस कानून का विरोध क्यों हो रहा है, इन सब के बारे में आज अपन जानेंगे। देखिए आइए, पहले अपन जानेंगे कि इसमें यह याचिका किसने दायर की। सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि यह याचिका कोर्ट में 5 महिलाओं ने दाखिल की है। और क्या किए है कि ज्ञानवापी मस्जिद में माता गौरी का मंदिर है और हम वहां पर पूजा करना चाहते हैं। ये 5 महिलाएं कौन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए आप, इन्होंने एक कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसी पर सुनवाई हो रही है, उसी पे वहां की जो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिए थे। पूजा स्थल कानून, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, यह कानून इसके बीच में क्यों आ रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद की जब चर्चा हो रही थी, इस कानून की भी चर्चा क्यों रही, ये देखिए आप। यह कानून 1991 में पास हुआ, उस वक्त नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। यह कानून क्या कहता है आप ये देखिए, 15 अगस्त 1947 से पहले, मतलब ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी धार्मिक स्थान है, चाहे वह मस्जिद हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह गुरुद्वारा हो, वो जिस स्थिति में है, जिन लोगों के पास में है, उन लोगों के पास ही बना रहेगा। चाहे मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया हो, चाहे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, जो जिस हालात में है, जिस कंडीशन में है, वो उसी के पास रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। यह कानून यह कहता है, यह कानून कहता है कि भले आज के दौर में यह साबित हो जाए कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो या अंदर किसी और दूसरे धर्म ग्रंथ के निकले हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज जिस जगह है और जिसके पास है, वह उसी के पास बनी रहेगी। मेन ये कानून यही कहता है। इस कानून की 7 धाराएं हैं। धारा 5 इसमें स्पेशल है। आप कहोगे सर धारा 5 स्पेशल क्यों है? जब 1991 को यह कानून बना था, तब धारा 5 में राम जन्मभूमि का जो मामला कोर्ट में चल रहा था, उस मामले को इसमें इंक्लूड नहीं किया था। मतलब कि यह कानून इसके ऊपर लागू नहीं होगा। राम जन्मभूमि जो मामला कोर्ट में चल रहा था ना, उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। क्यों बनाया कानून? सबसे बड़ी बात है कि यह कानून क्यों बनाया, इसकी क्या जरूरत हुई, क्या महसूस हुई सरकार को यह कानून बनाने की। 1990 में राम मंदिर आंदोलन हुआ, आपको पता है पूरे देश में राम मंदिर की आंदोलन की गूंज हुई, चारों तरफ मंदिर मस्जिद की बातें होने लगी और एक ऐसे नारे लगाने लगे कि अयोध्या तो एक जाकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। और उसी वक्त मथुरा काशी उज्जैन और ताजमहल जैसे भी मुद्दों की चर्चा होने लगी कि ये भी पुराने जमाने में इनको भी मंदिरों को तोड़कर ये ताजमहल बनाए गए, काशी का जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसके बारे में, मथुरा की मस्जिद है, इनके बारे में काफ़ी बातें होने लगी। तो सरकार को लगा कि यार के कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और कुछ मुश्किल पैदा हो सकती है। तब सरकार ने 1991 में एक एक्ट पास किया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जिसके भी
पास में जो जमीन है, जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वो है जिस स्थिति में बनी रहेगी। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, भले ही उसको तोड़कर नया बनाया गया है, भले ही उसमें कुछ भी हुआ है, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बाद भी केस क्यों चल रहा है? जब 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो गया, तो फिर ये ज्ञानवापी मस्जिद की जो एप्लीकेशन है, ज्ञानवापी मस्जिद का केस कोर्ट में क्यों चला? फर्स्ट पेशी पर ही यह केस खारिज क्यों नहीं हुआ? इतना आगे तक क्यों चला, कभी सोचा है आपने? ये इसका मेन दो कारण रहे। नंबर वन, कोर्ट में जब एप्लीकेशन लगाई गई तब कहा गया कि वहां पर महिलाएं और लोग माता गौरी की पूजा 1947 से पहले कर रहे थे, यानी कि यह जब कानून नहीं बना तब से उस मंदिर में पूजा की जा रही थी, और यहां तक कि 1991 में भी उस ज्ञानवापी मस्जिद में वहां के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पूजा कर रहे थे। एक तो यह आधार माना गया। सेकंड, यह जो ज्ञानवापी मस्जिद है ना, विश्व काशीनाथ एक्ट के अंदर बनी हुई है, यानी कि जब ये 1991 में यह कानून बना, उससे पहले 1983 को विश्वनाथ काशी एक्ट बन चुका था, और ये सारा जो मस्जिद है और ये काशी है सारा उस एक्ट के अनुसार संचालित हो रहा है। तो कहा जाता है कि पहले कोई भी एक्ट के द्वारा संचालित होता है तो यह एक्ट उस पर लागू नहीं होता है। तो इन दो कारण से कोर्ट में एप्लीकेशन जायज ठहरे गई और केस चला। अब मेन बात यह कि इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है, इस कानून का विरोध होने के पीछे कारण क्या है, यह देखते हैं अपन। इस कानून का विरोध क्यों, इस कानून का विरोध हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की है, जनहित याचिका दायर की है, और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने भी एक जनहित याचिका दायर की है इस कानून के विरोध में। वो क्या कहते हैं ये देखिए। संविधान में भगवान को भी अधिकार दिया गया, अपने भारत के संविधान में, यानी कि भगवान राम को भी जब केस चला था तो एक जुडिशियल पर्सन माना गया था। तो इनका कहना है कि जब भगवान राम को आप जुडिशियल पर्सन मान सकते हो, तो भगवान कृष्ण और भगवान शिव को जुडिशियल पर्सन क्यों नहीं मान सकते हो? सबसे बड़ा आधार यह कहा जाता है। सेकंड, आर्टिकल 14 कहता है बराबरी का अधिकार। अपने भारत के संविधान के आर्टिकल 14 कहता है कि सभी को धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। किसी को ऊंच नीच जाति का कोई भी किसी के तरह भेदभाव नहीं कर सकता है। तो यहाँ के जो लोग कहते हैं कि जब ये बराबरी का अधिकार दिया गया है तो इसका उल्लंघन हो रहा है इस एक्ट में, तो इस एक्ट को खत्म किया जाए। आर्टिकल 15 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जब भारत के संविधान में आर्टिकल 15 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि आप ज्ञानवापी मस्जिद में जाकर आप पूजा कर सकते हो, आप अर्चना कर सकते हो, आप शंख बजा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, और पहले कर भी रहे थे 1947 से 1991 के बीच में हो भी रही थी, तो अब क्यों लोगों को मना किया जा रहा है? आखिर ये जो आर्टिकल 15 है इसका वॉयलेशन क्यों किया जा रहा है? तो ये इसीलिए कह रहे कि 1991 का एक्ट है, ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 26 कहता है पूजा स्थल के रखरखाव का अधिकार। आप कहीं पे भी आर्टिकल 26 कहता है कि आप कहीं पे भी पूजा करते हो, मंदिर है या कुछ भी जगह है, कुछ भी है, आप उस पूजा स्थल को रखरखाव करने का आपका अधिकार है। आप उसको साफ सफाई कर सकते हो, आप उसको अच्छी तरह से निर्माण कर सकते हो, सब कुछ वहाँ पर, मतलब आप रखरखाव करने का आपको अधिकार है। तो यही अधिकार आपको संविधान दे रहा है, लेकिन 1991 के एक्ट में यह अधिकार आपसे छीना जा रहा है, इसीलिए इस कानून का विरोध किया जा रहा है। आर्टिकल 29 कह रहा है कि कल्चर और भाषा को बनाए रखने का अधिकार। आपका कल्चर है आपको कोई छीन नहीं सकता है, आपकी भाषा है वो आपसे छीनी नहीं जा सकती। तो यही ज्ञानवापी मस्जिद में भी लागू हो रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक सांस्कृतिक धरोहर है, वो आपकी कल्चर है, तो उस कल्चर को क्यों बदला जा रहा है? तो यही 1991 का विरोध किया जा रहा है। तो इस कानून का विरोध करने के कारण ये 4 या 5 कारण हैं मैंने गिनाए हैं कि इस कारण से इस कानून का विरोध हो रहा है। अब रही बात यह है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में अगर शिवलिंग मिलता है तो इस कानून के अनुसार तो फिर अगर आप उस मस्जिद को तोड़कर वापस मंदिर नहीं बना सकते।
जब तक ये कानून है, तो ये कानून तो यही कहता है कि जब 15 अगस्त 1947 से उससे पहले पहले जो भी कोई भी मस्जिद है या मंदिर है, अगर किसी को भी तोड़कर वापस बनाया गया भी है, लेकिन अब वो जैसी स्थिति में है जिसके पास है उसी के पास रहेगी। तो अब देखते हैं कोर्ट का क्या निर्णय आता है और कोर्ट इसमें क्या फैसला देता है, सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी।